प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए। अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट। बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा काफी बढ़ा हुआ है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी यहां पार्टी के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए दावा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही महिलाओं के खाते में खटाखट 1-1 लाख रुपए आ जाएंगे। इस बीच अब राहुल की तरह ही अखिलेश यादव फटाफट वाला अंदाज लेकर आए हैं। अखिलेश यादव ने रायबरेली में रैली के दौरान अपने संबोधन में कहा कि ये दिल्ली के लोग घबराए हुए हैं। जब से उन्होंने सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, तब से वह आपके प्रत्याशी की खटाखट वाली नकल करने लगे हैं। जो लोग देश को बड़ा बनाने का सपना दिखा रहे थे, उन्होंने देश को कर्जे में डुबो दिया। जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे फटाफट। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, वे लोग सब डकार गए गटागट। बड़े घबराए हुए हैं और दिल्ली वालों ने जब से सुना है कि इंडिया गठबंधन गरीबों के लिए फैसले ले रहा है, ये दिल्ली वालों ने जब से सुना है, कि गरीबों के लिए फैसले होने जा रहे हैं, तब से वो आपके प्रत्याशी के खटाखट की नकल करने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग विदेश चले जाएंगे, लेकिन हमारे देश की जनता जागरूक है। वो जानती है कि उन्होंने कुछ साल पहले ही अपने खास लोगों को एक के बाद एक विदेश भेजने का काम किया था। बताओ उनके जो मित्रगण थे या साथी थे, एक के बाद एक खटाखट विदेश भाग गए कि नहीं भाग गए? जो लोग देश को सपना दिखा रहे थे, बड़ा होना देखा। बताओ कर्जे में डुबा दिया देश को कि नहीं डुबा दिया? और अब ये जनता कह रही है इनसे, अब जनता इनसे कह रही है कि अब आपको हटा देंगे और जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, याद है कि नहीं याद है? जो कहते थे कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, बताओ वो सब डकार गए कि नहीं डकार गए? डकार गए और कह रहे गटा 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 गटा।